गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत 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 दिनों के बाद ये भी मैंने एक छोटी सी मेरी स्कॉर्पियो S11 अभी नहीं निकलवाई थी एक महीने पहले, तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। और वो प्रॉब्लम कोई ख़ास नहीं है, हर महिंद्रा की गाड़ी में आती है, तो अभी उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत दिन बाद, कम से कम 6 से 8 महीने बाद, और भी हो सकता है 1-2 महीने ऊपर हो गए हों। मैंने आज चैनल के लिए एक व्लॉग बनाया है छोटा सा, आप देख रहे होंगे। इसमें ये दिक्कत बहुत गाड़ियों में आती है, अक्सर करके थार में ज़्यादा आती है, रीजन रिक्वायर्ड। तो इसके क्या होता है, जो इसमें यूरिया बोलते हैं, उसमें यूरिया डलता है गाड़ी के अंदर, तो उस यूरिया की नई गाड़ियों में खासकर आ जाती है कभी कभी, तो गाड़ी में क्या होता है 60-70 से ऊपर भागती नहीं है गाड़ी। तो आज हम आपको बताएंगे इस चीज़ में कि रीजन रिक्वायर्ड जो इसमें आ चुका है ये, और यहाँ पर यूरिया की बत्ती आ चुकी है, ये इस चीज़ को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बिना सर्विस सेंटर जाए और बिना किसी से पूछे। इस वीडियो को बस आप देखो और इसमें आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो चलते हैं, पहले गाड़ी में डलवाते हैं फ्यूल नई गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी डेली टू डेली जिम तक जाती है और कहीं नहीं जाती। तो चलो चलते हैं। सड़क पे लगा रखा है ट्रैक्टर पेट्रोल पंप, इस पर डलवाते हैं फ्यूल। यहाँ पे तो भाई बड़ी गाड़ी लग रही है। हाँ बड़ी लग रही है। ये हो गया अपने भाई पेट्रोल पंप, यहाँ पे डलवाते हैं फ्यूल और बड़ी। हाँ तो भाई लोग, इसमें मुझे एक चीज़ और लगी है, जो ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का सिस्टम होता है ये अभी काम नहीं कर रहा है जब तक ये रीजन रिक्वायर्ड हो चुका है, इसलिए तो गाड़ी अपने हिसाब से चलती है। ये बाद में रिस्टोर हो जाएगा, पहले फ्यूल डलवा के चलते आगे। तो भाई लोग, स्कॉर्पियो की ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इस रीजन रिक्वायर्ड पे, कि थार से इसका बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, मतलब स्पीड वगैरह गाड़ी दाब नहीं मान रही बिल्कुल भी। तो मेरे पास थार भी थी, थार से हम लद्दाख गए थे, लद्दाख जाते वक्त हमारे बीच में वो मसला हो गया था गाड़ी का रीजन वाला, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इस तरीके का भी लूका पट्टा भाई, ये चीज़ है, बस इसी चीज़ ही बोल रहा था। बात ये थी कि हम कश्मीर गए थे थार से, तो भाई वो तो गाड़ी 30-40 से तो ऊपर ही नहीं जा रही थी। उससे अच्छा ये चल रही है रोड पे, बढ़िया भाग रही है, 80 की स्पीड तक महसूस नहीं हो रहा कि गाड़ी में फिलहाल कोई रिक्वायर्ड आ चुकी है कोई चीज़। तो इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थार तो परेशान कर देती थी, चलती नहीं थी वो तो। तो अब हम, ये थोड़ा लोकल एरिया है, यहाँ 80 की स्पीड तक भगाने में अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ 80 की स्पीड तक भगा नहीं पाएंगे। कभी इधर से कुछ आ जाता है, कभी इधर से कुछ आ जाता है, कभी रोड पे कुछ मिल जाता है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ से और 80 की स्पीड तक चला के देखते हैं। देखो सामने से गाड़ी आ गई। तो भाई थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट कर दो यार, हालांकि मेरी भी गलती है, कम से कम 8-9 महीने का गैप दे दिया मैंने इसमें। देखो मैं बोल रहा था ना, यहाँ रोड पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ ऐसा ही होता है। ये देखो रोड पे ही पूरा जो है कि सामान, वो कंस्ट्रक्शन का पूरा सिस्टम फैला रखा है इन्होंने, तो ये चीज़ यहाँ चलती रहती है। तो भाई थोड़ी भीड़ भाड़ से निकल के ये थोड़ा सा गैप मिला है अपने को, इस पे चला के देखते हैं आगे। फिर छोटी सी मार्केट आ रही है, तो चलो भाई 80, हमने 80 पे रख दिया और 80 पे ही रखना है, ना ऊपर ना नीचे। स्पीड अगेन, ये थोड़ा लंबा गैप है अपने लिए, इसमें मुझे लग रहा है काम हो जाएगा। ये मैं क्रूज सेट कर देता हूँ, ये मैंने क्रूज मोड डाल दिया, अब सिर्फ रोड पे नज़र रखनी है। छोटा रोड है, भीड़ ज़्यादा है, आप भी इस चीज़ को करते टाइम थोड़े सड़क पे नज़र रखें। ये अपने को ओवरटेक करना पड़ेगा यहाँ से भी, हाँ। तो भाई लोग अपना काम हो चुका है, अब मैं क्रूज मोड ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। और देखो आपकी बत्ती और रिक्वायरमेंट की लाइट और यूरिया वाली बत्ती दोनों रीजनरेट हो चुकी हैं। तो ये छोटा सा काम था जो मैंने आपके लिए करके दिखा दिया। तो गाइस ये अपना छोटा सा काम था रीजनरेट करने का, दिखने में प्रॉब्लम बड़ी लगती है, बाकी सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा होता है, जो आपके सामने मैंने करके दिखा दिया।
और गाड़ी अपनी अभी इसके रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी फाइल जमा हुई है, अभी इसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आए, नंबर नहीं आया। तो एक महीने की वैलिडिटी होती है टेम्परेरी पे यूज़ करने के लिए, तो अभी लोकल में यूज़ हो रही है गाड़ी, एक महीना हो गया गाड़ी को। अभी हम बाहर लेके नहीं जा रहे, हालांकि मैं अकेला लेके चला जाता हूँ, फैमिली के साथ नहीं जा रही गाड़ी। तो फिलहाल घर से जिम, जिम से घर यूज़ हो रही है। और आपने जो वीडियो का मैंने दिखाना चाहा था वो आपको दिखा दी। तो बहुत दिन बाद व्लॉग बनाया है तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, देखते हैं हो सकता है। क्योंकि हमने नया शोरूम डाला था अपना, मोबाइल का काम तो 15 साल पुराना है, बाकी नया शोरूम नए मोबाइल्स का और ब्रांड सारी कंपनियों का फाइनेंस पे मैंने शोरूम खोला है नया, उस पर हम भाई लोग सब रहते हैं, तो उसकी वजह से ना टाइम नहीं मिल पा रहा अभी। तो इसीलिए बोलना चाह रहा था, अपने पुनाना मेवात में हरियाणा में अपना मोबाइल का काम भी बढ़ा है काफ़ी। किसी भाई को कोई मोबाइल नया फाइनेंस पे चाहिए, सेकेंड हैंड आईफोन चाहिए टॉप क्वालिटी के, सब अवेलेबल है अपने पास, तो उसकी वजह से टाइम भी नहीं मिल पा रहा अभी। 1 तारीख को ऑफ होता है, छुट्टी होती है, तो मैं सोच रहा था, अभी सोचा ही है 2-3 दिन हर महीने के एंड में निकाल लूँ, घर पे भी बात कर लूँगा एक बार भाई से, उनसे भी परमिशन ले लूँगा इस चीज़ की, अगर देंगे तो मंथ के आखिरी 2-3 दिन मिल जाए बस, उसमें भी थोड़ा थोड़ा कवर होता रहे। तो बाकी आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी एक बार ज़रूर देखना, अगर भाई कोई नया इस बंदे को, नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे लगता है उस हिसाब से वो वीडियो लोगों को पसंद आई थी, आपको भी आएंगी। हालांकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है यूट्यूब पे, तो चलो अब चलते हैं घर और वीडियो आपने देख लिया, बाय।